हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बनाने जा रही हूँ कि नए इंडियन का डोर मीट। तो मैंने इसमें एक कली बना लिया है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये ग्रीन से फंदे डाले थे और मैंने इसमें 28 फंदे डाले हैं। 28 फंदे से बना के बता रही हूँ मैं। अब जितना बड़ा बनाए उतना फंदा आप डाल लें। और देखिए, इसमें मैंने ग्रीन के दो गुल्ले लगाए हैं। एक तो मैं शुरुआत में लगाई हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे लगाई हूँ। तो ये चैन जैसे गई है। और देखिए, ये येलो वाले हम से ये कली अंदर की बनाई हूँ और ये ग्रीन से ये लाइनिंग बनी है अंदर बाहर की। तो मैं पहली सिलाई से ही आपको बताऊँगी, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी। जिस तरह से यहाँ से शुरुआत हुई थी, इसी तरह से यहाँ पे शुरुआत होगी। तो चलिए, मैं पहली सिलाई से ही आपको बता रही हूँ। पहला फंदा हम उतार लेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक फंदे से हम दो फंदे इसमें बुन लेंगे। इस तरह से दो फंदे हो गए। इसमें से हम दो फंदे बुनेंगे तो ये क्या करेंगे, ये धागा को हम इस तरह से कर देंगे और तीसरा फंदा हम येलो कलर से बुनेंगे। तो फंदा भी बढ़ गया और ये लाइन के लिए दो फंदे के दो फंदे हमें चाहिए और बाकी फंदे को हम येलो कलर से बुनेंगे। तो देखिए, ये छह फंदे होने चाहिए, यहाँ छह फंदे ही रहेंगे। तो दो पाँच हो गए, एक ये छह फंदे। अब यहाँ से देखिए, ये लाइन बनानी है तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से हम ये फंदे को बुन लेंगे इस तरह से और एक फंदा हम ये वाले बुन लेंगे। तो दो फंदे ये लाइन की बन गई। अब हम ये तीसरा फंदा है, इससे हम येलो कलर से बुन लेंगे और बुनते हुए जाएंगे नीचे के साइड दो फंदे छोड़ देंगे। देखिए, ये सारे फंदे बुन लिए, दो फंदे हम लास्ट के छोड़ देंगे और सिलाई को पलट लेंगे यहीं से। सीधी साइड से क्या करना है, सारे फंदे को हमें उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए, सारे फंदे बुन, ये धागा को हम पीछे करेंगे और यहाँ पे हमें कोई धागा नहीं लाना है ना बुनना है, सिर्फ हमें ये बदलना है ये फंदे को। तो कैसे बदलना है, देखिए, ये फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे और इस तरह से हम चेंज कर देंगे और दोनों फंदे को हम इसमें ले आएंगे, इसमें ले आएंगे। इस तरह से ये चैन इस तरह से जाएगी, पहले जैसे यहाँ से ये शुरुआत हुई है, फिर घटेगी तो ये ऊपर की साइड जा रही है। तो अगला फंदा हम इसके पीछे से ले लेंगे तो ये चैन उसी तरह से हो जाएगी और ये येलो वाले धागे अपनी तरफ करके ये छह फंदे हैं, इसे हम बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और ये दो फंदे हैं, इसे हम बुन लेंगे। ये जो दो फंदे हैं, इसे सिर्फ हमें उल्टे साइड से ही बुनना है, सीधे साइड से हमें पलट लेना है बस। तो देखिए, एक फंदा बुन लिया, फिर धागा को इस तरह से करेंगे और इसी में से हम ये दूसरा फंदा भी बुन लेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ इस तरह से धागा करेंगे, एक फंदा हम ये बुन लेंगे और ये चैन वाले जो है ऊपर वाले, ये हम बुन लेंगे इस तरह से। तो ये दो फंदे बुन गए। अब ये तीसरा फंदा जो है ग्रीन वाले, ये येलो से बुन लेंगे।
और बुनते हुए जाएंगे। फिर नीचे की साइड हम दो फंदे छोड़ देंगे, ये येलो वाले, और सीधी साइड से फिर दिखाती हूँ। फिर से देखिए, फिर से हमें चेंज करना है ये, तो इस तरह से हम उतारेंगे और ये पहले हम उठा लेंगे, फिर इसको कर लेंगे इस तरह से। ये धागा को हम पीछे कर लेंगे और दोनों फंदे को हम इसमें उतार लेंगे। फिर ये धागा अपनी तरफ करके और बाकी फंदे को हम बोल लेंगे। एक बार और देख लीजिए, पहला फंदा उतारेंगे, आपको जैसा आता होगा बढ़ाना उस हिसाब से आप बढ़ा सकती हैं। और ये देखिए, आप इस तरह से ही बढ़ा सकती हैं, यहाँ से इस तरह से एक फंदा बुन लेंगे और ये धागा इस तरह करके, और एक फंदा ये बुन लेंगे, तो एक फंदा और बढ़ गया। तो ये बढ़े हुए फंदे हमें यहाँ नहीं बुनना, यहाँ छः के छः ही फंदे रहने चाहिए, दो ये ग्रीन वाली, ये लाइन वाली है, और यहाँ हम ये इससे बुन लेंगे, और ये पहले ऊपर वाला फंदा हम फिर ग्रीन से बुन लेंगे, तो ये दो का दो फंदे रहेंगे चैन वाली, और तीसरा फंदा हम ये ग्रीन वाली इससे बुन लेंगे, तो ये फंदा इसमें बढ़ रहे हैं, और फिर से हम दो फंदे लास्ट में छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम सात फंदे बढ़ाएंगे, तो मैं बढ़ा लेती हूँ सात फंदे, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार और यहाँ देख लीजिए, सिर्फ हमें उल्टे साइड से ही ये चेन को बुनना है और सीधे साइड से हमें ये अदल बदल कर लेना है। दो फंदे फिर से छोड़ के सिलाई को यहीं से पलट लेना है इस तरह से। देखिए, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे हमें सिर्फ फंदे को अदल बदल करनी है, ये चैन वाली, तो इस तरह से करना है। दोनों फंदे को उतार लेंगे और ये पहले हम उठा लेंगे और ये बाद में भर लेंगे इस तरह से। ये चैन वाली फंदे ढीले ही रहना चाहिए। फिर धागा को अपनी तरफ करके ये छह फंदे बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैं सात फंदे बढ़ा लेती हूँ, 28 फंदे हैं, तो 35 फंदे हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ये पीछे कर लेना है और दो फंदे हम इसे बुन लेंगे ग्रीन से। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसी तरह से। देखिए, मैंने सात फंदे इसमें बढ़ा लिए हैं और यहाँ दो दो करके मैंने 14 फंदे छोड़ दिए हैं। तो अब यहाँ से देखिए, अब मैं कोई फंदे नहीं बढ़ाऊँगी, सिर्फ हमें बुनना है ग्रीन कलर से। तो हम सारे फंदे को इस तरह से बुन के कंप्लीट करेंगे। हमें नीचे तक ये बुन के कंप्लीट करना है, जिस तरह से ये लाइन बनी है उसी तरह से। तो इस सारे फंदे को हमें बुन लेना है। देखिए, ये दो फंदे हैं, इसे भी हमें बुन लेना है। अब सीधी साइड से भी हमें एक सिलाई बुन के कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से अब देखिए, यहाँ पे पहले हम ऊपर की साइड ये करते थे, इस तरह से ले गए, अब ये नीचे की साइड आएगी, तो अब हम इस तरह से करेंगे। ये फंदे को हम इसमें भर लेंगे और इसको इस तरह से, और फिर हम क्या करेंगे, इसको पीछे करेंगे और ये दोनों फंदे इसमें हम ले लेंगे, फिर धागा को अपनी तरफ करके ये छह फंदे बुन लेंगे।
और ये दो फंदे लाइन वाले। अब यहाँ से देखिए फिर से, अब हम कोई फंदे नहीं बढ़ाएंगे, फंदे कम करने हैं। तो देखिए पहला फंदा उतार लिया, अब यहाँ से क्या करना है, इस तरह से हम दो का एक करेंगे, इसके बाद हम ये बुनना स्टार्ट करेंगे। पांच फंदे हो गए, अब एक फंदा इसमें से हम बुन लेंगे ये वाली, तो ये छः हो गए। और ये चैन वाली फंदे हैं, तो इसको धागा को हम इस तरह करेंगे, और एक फंदा ये चैन वाली और दूसरा इसमें से बुन लेंगे, और बाकी फंदे को इस तरह से। तो इसमें भी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं सारे फंदे नहीं बुनूँ, जितने मेरे बचे हुए फंदे थे छोड़ के उतना ही फंदा हमें बुनना है। तो मेरे पास 10 फंदे थे, तो 10 फंदे ही बुनना है। 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 फंदे ही बुन के यहाँ से मैं पलट जाऊँगी। देखिए 10 फंदा फिर से बुन ली और धागा को पीछे किया, और फिर से हम क्या करेंगे, इस तरह से उतार लिया, तो ये फंदे को हम पीछे करेंगे और ये फंदे को इस तरह से, और दोनों को हम इसमें उतार लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके बाकी फंदे को हम बुन लेंगे। इसे पीछे किया और ये दो फंदे हम बुन लेंगे, देखिए इस तरह से। फिर से पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ ये दो का एक करेंगे। एक फंदा इसमें से हम बुन लेंगे, तो इसी तरह से ये कंप्लीट होगी बन के। तो ये एक एक फंदा बड़ा है, तो एक एक फंदा यहाँ से कम होता जाएगा, और ये फंदा हम इसमें से एक एक लेते जाएंगे, यहाँ से जिस तरह से मैंने बढ़ाई थी उसी तरह से कम कर लेना है। तो ये कली बन के कम्प्लीट हो जाएगी। अब दो दो फंदे जो मैंने नीचे के साइड छोड़े थे वो भी हमें इस तरह से बुन लेना है, देखिए ऐसे, और सिलाई को पलट लेना है। फिर से देखिए ये धागा पीछे करेंगे और ये दोनों फंदे को हम इसमें कर लेंगे, तो इस तरह से करना है उलट पलट इस तरह से। और ये चैन ऊपर की साइड जा रही थी, अब हम नीचे की साइड लेके जा रहे हैं, जिस तरह से ये बना है, पहले मैंने ऊपर लिया है फिर नीचे गया, और फिर ये ऊपर गया और नीचे जा रहा है, तो इसी तरह से ये कली बन के कम्प्लीट हो गई। तो मैंने 7 फंदे बढ़ाए थे, तो इसी हिसाब से मैं 7 फंदे कम कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए ये 6 के 6 ही फंदे हैं, तो यहाँ भी 6 के 6 ही रहेंगे, तो इसी तरह से ये घटेंगे, इधर बढ़ा था यहाँ घटा है, तो इसी हिसाब से ये भी कली बन के तैयार हो जाएगी। और ये दो दो फंदे हैं, ये हम हर सिलाई में दो दो फंदे लेते जाएंगे। तो मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये सारे फंदे बुन के कम्प्लीट कर लिए यहाँ से यहाँ तक। अब फिर से हम क्या करेंगे, ग्रीन से ये लाइन बनाएंगे। सारे फंदे बढ़े थे तो वो सारे कम हो गए, अब हम ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, सिर्फ हमें दो सिलाई बुन के कम्प्लीट करनी है इसी तरह से सादे सादे।
देखिए ये दो फंदे हैं, इसे भी हम बुन लेंगे और सिलाई को पलट लेंगे। सारे फंदे बुन गए, पहला फंदा उतारा और बाकी फंदे को भी हम बुन के कंप्लीट करेंगे उल्टे उल्टे। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए अब फिर से ये ऊपर जाएगा चैन, तो क्या करना है, फिर से हम इस तरह से पलट पलट कर देंगे। इस तरह से तो ये ऊपर की साइड जाएगी। और बाकी फंदे को हम बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये डोरमेट बन के कम्प्लीट होगी। देखिए तो इसी तरह से ये बन के कम्प्लीट होगी। तो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ।